एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड ब्यूटी गैली। मैं हूं आपकी दोस्त अनीता और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक फेस वॉश। तो ये वाला जो फेस वॉश है वो मैंने रिसेंटली बाय किया। रिसेंटली मतलब एक डेढ़ हफ्ता हो गया होगा मुझे इसे यूज़ करते हुए। एक्चुअल में मैं जो है डर्माको का फेस वॉश यूज़ कर रही थी बट वो अभी फिनिश हो गया। तो ऐसे ही मैं एक दिन अमेजोन पर एक्सप्लोर कर रही थी कुछ, तो मेरे सामने ये वाला फेस वॉश आ गया। तो इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई कर लिया जाए। तो ये वाला फेस वॉश ये है ग्लोबस का प्योरीफाइंग ग्लाइकोलिक एंड सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश। पैकेजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है, सी थ्रू पैकेजिंग है और आप इजीली देख सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट आपके ट्यूब में रह गया है। और इसका लिड जो है वो बहुत टाइटली क्लोज हो जाता है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग। और यू कैन सी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो पीछे मेंशन किया गया है। तो इंग्रेडिएंट्स में ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड बोला है, सैलिसाइलिक एसिड बोला है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट बोला है, वाइटामिन ई बोला है और जेल पीस बोला है। मतलब इतने ही इंग्रेडिएंट हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। डायरेक्शन दी गई है कि कैसे यूज़ करना है। इसका प्राइस है 145 रुपीस है और हमें मिल जाता है 100 ml का प्रोडक्ट। इसका भले ही प्राइस जो 145 है बट मैंने इसे सेल से बाय किया था तो मुझे 101 रुपीस का ही जो पड़ा है, सो काफ़ी अफोर्डेबल था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई कर लिया जाए और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे तो इसलिए भी मैंने सोचा कि ट्राई कर लिया जाए। तो ये कहते हैं कि फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए हैं और ये क्लेम करते हैं कि स्किन को जो है लाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग करता है, एक्ने स्कार हटाता है, हाइपर पिगमेंटेशन को हटाता है, रिड्यूस करता है रिंकल्स को और ये एनरिच्ड है विद एलोवेरा एंड वाइटामिन ई। तो ग्लाइकोलिक और सैलिसाइलिक एसिड है तो डेफिनेटली ये हमारे फेस पे एक्ने या फिर एक्ने स्कार्स को डेफिनेटली हटाएगा। तो क्योंकि मैं इसे हफ्ते भर से यूज़ कर रही हूँ तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए नहीं है। अगर आपकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है देन यू कैन गो फॉर दिस फेस वॉश, क्योंकि ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप इसे अवॉइड करिए, आप इसे यूज़ मत कीजिए। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि यस इट डज वर्क ऑन पिंपल। मुझे यहाँ पे 2-3 पिंपल हो गए थे तो ये जब से मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया है इसने मेरे पिंपल्स को हटा दिया है और न्यू एक्ने जो है वो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो ये वाला जो है बढ़िया, मतलब परफेक्टली वर्क करता है पिंपल्स पे। अगर आपको पिंपल्स या फिर एक्ने हैं तो डेफिनेटली ये भी ये वर्क करता है। और इसके अलावा इसमें थोड़े कैन यू सी द पार्टिकल्स इन इट, मतलब इसमें ना पर्पल कलर के जो ट्रांसपेरेंट जो है फेस वॉश है बट इसमें पर्पल कलर के जो है पार्टिकल्स आते हैं। जब हम फेस वॉश करते हैं तो वो पार्टिकल जो है वो हमारे फेस पे एक स्क्रब की तरह लगते हैं बट वाले जो पार्टिकल है बिल्कुल भी हार्श नहीं है आपकी स्किन पे। तो अभी मैं आपको इसका टेक्सचर जो है वो दिखा देती हूँ कि कैसा है। तो ये वाला जो फेस वॉश है वो बिल्कुल भी झाग नहीं करता है, मतलब बिल्कुल भी लेदर क्रिएट नहीं करता है बट हमारे फेस को बहुत अच्छे से साफ कर देता है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, अगर आप एलर्जिक हैं स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस से तो डेफिनेटली आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग स्मेल करता है बट इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बॉदरिंग बिल्कुल नहीं है, मतलब हमारे नोज़ को बिल्कुल बॉदर नहीं करती है बट बहुत अच्छी सी इसकी स्मेल है। आई पर्सनली लाइक द स्मेल ऑफ दिस फेस वॉश, बहुत रिफ्रेशिंग है। और अगर आपको फेस पे एक्ने हैं तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस। और रिंकल्स, आई डोंट नो कि रिंकल्स हटाता है कि नहीं हटाता क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 वीक हुआ है इसे यूज़ करते हुए। आई थिंक अगर लगातार यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इट वुड वर्क बट आई डोंट नो कि ये डेफिनेटली वर्क करता है। बट मैंने पिम्पल पे ट्राई किया तो पिम्पल पे इसने वर्क बहुत अच्छे से किया है।
और ऑल स्किन टाइप के लिए ये क्लेम करते हैं, बट ऑल स्किन टाइप के लिए नहीं है, ड्राई स्किन वाले इसे अवॉइड करें, बट ऑयली स्किन वालों के लिए ये परफेक्ट जो है फेस वॉश है। और गाइस अगर आपने ऑलरेडी इस फेस वॉश को यूज़ किया हुआ है तो एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।